योगी और मोदी दोनों जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। जय बोले जय बाबा की। अगर बंदे उतने स्किल होंगे तो क्यों उन्हें ना एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो क्यों उन्हें मुझे जॉब मिलेगी? यहाँ पे बंदे इलिटरेट नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन ही नहीं है, हर चीज़ तो एक तो फ्री में करने में लगे हैं। जब फ्री हो जाती है तो हम लेथार्जिक हो जाते हैं। दिया है नौकरी बता दो, कौन सी सरकार ने? कांग्रेस ने दिया है। वो बन गया है रेलवे का मंत्री, बना है वो कौन सा दे दिया है? केजरीवाल कितनी नौकरी दे दिए है तो 10 साल से वो भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, मैं हूं आपके साथ मेघा भाटिया। आज मैं फिर एक नई लोकेशन पे आ चुकी हूं, दिल्ली के सरोजनी नगर एरिया में, जहां आज मैं जानूंगी कि यहां की जनता यानी कि सरोजनी नगर की जनता का क्या मूड है। यहां पे तमाम लोग शॉपिंग करने आते हैं अलग अलग एरिया से, तो उनकी भी राय जानूंगी कि किसकी सरकार चाहते हैं और किसकी नहीं, कौन होगा अगला चेहरा 2024 का। चलिए सीधा पूछते हैं जनता से ही कि जनता क्या चाहती है। सर, क्या चाहते हैं अगला 2024 का प्रधानमंत्री का चेहरा किसका देखना चाहते हैं? 2024 के लिए तो देखिए मोदी जी के लिए हमारा तो वो है, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है। मोदी जी के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है दूसरी पार्टी से। जो भी काम करवाए हैं, जो भी देश की सुरक्षा, तो उसके लिए मोदी जी को ही चाहते हैं हम तो। और सुरक्षा के अलावा और आपको क्या काम ऐसे लगते हैं जिसके लिए आपको? सुरक्षा के अलावा मैम महंगाई का मुद्दा है एक तो। महंगाई का मुद्दा आप कह रहे हैं क्या? महंगाई पे आप क्या कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई है या बढ़ गई? नहीं, महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई है। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना चाहिए मोदी जी को, बीजेपी पार्टी को। देश की सुरक्षा तो खैर प्रायोरिटी है ही, लेकिन महंगाई भी अभी मिडिल क्लास है वो त्रस्त है काफ़ी एकदम। गैस सिलेंडर हो गए और भी युवाओं के लिए पेट्रोल के दाम जो है जैसे बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले अगर 5 साल में आते हैं मोदी सरकार, फिर से आती है बीजेपी की सरकार, तो क्या आपको क्या लगता है और हाई रेट्स आएंगे? सिलेंडर के आप रेट्स ले लीजिए, आपने महंगाई की, आप पेट्रोल की ले लीजिए, आप एक रोजगार का मुद्दा ले लीजिए। उन्होंने कहा था कि रोजगार देंगे, क्या लगता है कितना आपको लगता है, कितने प्रतिशत लोगों को मिली होगी जॉब्स? देखिए, जो रोजगार का मुद्दा है उसके अंदर तो अभी काफ़ी बेरोजगार युवा बेचारे भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पूरी क्वालिफिकेशन करके और दर दर की ठोकरें खा रही है। बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अब आने वाले टाइम में यही अपेक्षा कर सकते हैं, इसीलिए वोट करेंगे मोदी जी को कि और युवाओं के लिए कुछ मतलब रोजगार के अवसर प्रदान करें। तो हम तो यही चाहते हैं कि युवाओं के लिए थोड़ा रोजगार उपलब्ध हो और बेरोजगारी कम हो थोड़ी, और महंगाई थोड़ी कम हो, क्योंकि पब्लिक परेशान है। देश की प्रायोरिटी तो है, लेकिन जब तक खाने पीने को अपना परिवार पालने के लिए वो बेचारा नहीं कर पाएगा तो वो क्या, फिर फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही रहेगी। ऐसे विपक्ष पार्टी है, जैसे आप देखेंगे राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने भी अपना मैनिफेस्टो निकाला, कांग्रेस ने, उसमें भी उन्होंने वादे करे कि वो सबको जॉब्स देंगे, इकोनॉमी में ज़्यादा ध्यान देंगे, स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देंगे, महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे, आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस के ऊपर विश्वास जल्दी से हो नहीं पाता मैम। राहुल गांधी जो बोलते हैं उनकी कथनी और करनी में और पार्टी में भी उनमें एकता नहीं है पूरी कांग्रेस पार्टी में। चाहे राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए या दूसरा मुद्दा ले लीजिए, तो अभी तक विश्वास पब्लिक कर नहीं पा रही है कांग्रेस के ऊपर कि अगर राहुल गांधी आ गए तो कहीं मोदी से भी बदतर हालत नहीं हो जाए एकदम देश की। तो इसी 10 साल पहले तो उनका ही रास्ता कांग्रेस का बिल्कुल था, लेकिन वो कांग्रेस रही नहीं अभी। जो 10 साल पहले जो कांग्रेस के अंदर कद्दावर नेता थे वो अब नहीं रहे। आपके हिसाब से वो चेहरा नहीं रहा? वो चेहरा नहीं रहा एकदम, ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन मतलब पीएम के लिए चेहरा बनेगा कौन। इनमें आपस में ही अंदरूनी कलह है कांग्रेस में, तो पब्लिक क्या विश्वास नहीं कर पा रही है। ठीक है, क्या चाह रही है इस बारी, किसकी सरकार देखना चाह रही है? सरकार तो हमारे तो प्रिय नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसा क्यों मैम? ऐसा क्यों? क्योंकि देश का विकास, देश का जो भी काम हो रहा है, इतने बड़े बड़े काम अभी तक किसी प्रधानमंत्री जी ने नहीं किए, कहाँ तक पहुँचे, क्या क्या काम, जैसे अभी चंद्रयान का किया था अपने, है ना, और विदेशों में जाके अपने देश के विकास के लिए बात करना, उनकी पार्टी आती है, ये सब काम। और क्या आने वाले आप 5 साल में अगर उनको चुनती है और उनकी सरकार आती है, क्या क्या काम आप चाहेंगी कि वो करें? भाई यही कि जो आज की युवा पीढ़ी है उनके लिए यही जो गवर्नमेंट के जॉब, अब क्योंकि रोजगार नहीं मिल पाया उनके, उन्होंने कहा था अब इनको ये ज़रूरत है, तो इनके लिए रोजगार और देश का विकास हो, बस यही चाहते हैं अपन तो, और क्या चाहे। और
विपक्ष पार्टी में क्या लगता है, कोई है ऐसा? कोई नहीं लगता। दिल्ली से आप? नहीं, राजस्थान। चलिए ठीक है, क्या चाह रहे हैं इस बारी, किसकी सरकार? वही किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। क्यों? क्योंकि अच्छा है। क्या अच्छा है? बहुत कुछ अच्छा है, हर चीज अच्छा है, क्या बुरा क्या है? बुरा तो हमें नहीं लगता, कुछ नहीं, जो भी हो रहा सब बढ़िया हो रहा है। हाँ, यहाँ पे सही काम चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। दिल्ली से ही? नहीं, हम दिल्ली से नहीं, हम बिहार से हैं, लेकिन रहते तो यही है। हो गया 25 साल यही रहते हुए, तो वोट देते हैं यहाँ पे, यहाँ का वोट है बिहार, यहाँ का, यहाँ का है। तो इस बारी क्या लग रहा है कि दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी है, आपको क्या? 400 पार। लेकिन कुछ तो लोग कह रहे हैं केजरीवाल के कि 400, क्या 4 भी पार नहीं कर पाएगी? तो सामने है वो, तो देखने वाली बात है, वो कहने की जरूरत नहीं है, समय बताएगा। किन किन मुद्दों पे आपको ऐसा लगता है कि आप बीजेपी को वोट देंगे, और आने वाले किन 5 सालों में क्या चाह रहे हैं कि और चेंजेस हो? बहुत चेंजिंग हुआ, बहुत चेंजिंग होगा, ऐसी बात नहीं है कि चेंजिंग नहीं हुआ, चेंजिंग तो इतना हुआ कि पूछिए मत। हाँ, हर चीज क्या नहीं चेंजिंग हुआ, आप बताइए क्या क्या चाहते हैं? महंगाई बढ़ रही है, लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है। देखिए ऐसा है ना, रोजगार नहीं है, करने वाले के लिए सब कुछ रोजगार है, क्या रोजगार नहीं है? सरकारी रोजगार दे दे तो सही है, सरकारी तो ये काम दे रहा है, 12 घंटा के काम है, जाते हैं ऑफिस में ये काम कराने के लिए बैठो अभी आ रहे हैं, वो सही है कि प्राइवेट सही है? कम से कम सब प्राइवेट कर रहा है वो, तो कम से कम ड्यूटी तो 12 घंटा निभाओगे, टाइम से तो करोगे। सरकारी कर्मचारी की कोई बता दो, कोई टाइम से ड्यूटी करता है, टाइम से काम करता है? कोई भी नहीं करता है। एक काम के लिए पब्लिक परेशान होती है, बैंक हो चाहे कहीं भी जाओ तो लाइन लगा के खड़े रहो। ऐसा है तो फिर क्यों उन्होंने बोला कि रोजगार देंगे? ऐसे तुमको बोलना चाहिए था, खुद अपना अपना काम देखे, ऐसे थोड़ी वो बोल सकते हैं। तो फिर आप ऐसे कह रहे हैं तो मैंने उस पर बोला, लेकिन मेरा कहना भी ये था कि वो प्राइवेट कर रहे हैं तो अच्छा करे, कम से कम सबको कमाने को रोजी रोटी तो मिलेगा, काम तो करेगा। जो सरकारी है एक हो गया था क्या, तो उन्हीं की पीढ़ी चलती रहेगी, ऐसा कुछ थोड़ी। बहुत से लड़के हैं, युवक है जो पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, तो उनका भी तो नंबर आना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी? सरकार इस बार तो हमें लग रहा है मैडम कांग्रेस की आनी चाहिए। क्यों कांग्रेस की? अब हमें कांग्रेस राहुल गांधी पसंद है इसलिए। अच्छा, पसंद की उस पर। आपको क्या लगता है वो काम कर पाएंगे? अब मैडम अगर नया बनेगा तो काम करेगा जरूर। मोदी जी 2 बार से बन रहे, एक बार इसको भी चांस देना जरूरी है, राहुल गांधी जी को भी। बाकी हम तो बंगाल से बिल्डिंग रखते हैं, बंगाल में वोट है हमारे, यहाँ तो है। क्या लगता है अगर राहुल गांधी जी अगर बन जाते हैं, मान लो सपोज प्रधानमंत्री, तो क्या लगता है किन किन विषयों पे उनको काम करना चाहिए? काम तो मैडम करेंगे, नया अगर बनेगा कुछ 5 साल में तो कुछ अलग ही काम करेगा वो, नया बनेगा तो। जैसे कि क्या क्या कामों पे उसको काम करना चाहिए आपको, जो लगता है कि अभी बीजेपी नहीं कर रही और कांग्रेस को करना चाहिए? कांग्रेस को करना चाहिए ही मुद्दा है, लोगों को रोजगार मिलने चाहिए। आपके हिसाब से रोजगार नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। बाकी आपको पता ही है मार्केट कैसे चल रहा है, लोगों को परेशान कैसा है, महंगाई की वजह से। महंगाई है अभी मार्केट थोड़ी मंदी चल रही है, इसीलिए काम तो देखिए मार्केट बहुत काफी डर। आज कांग्रेस के टाइम पे आपके हिसाब से सही चल रही थी मार्केट? हाँ, उस टाइम काम बहुत अच्छा था, करीब 15 साल हो गया हमारा आने, उस टाइम काम बहुत अच्छा चल रहा था। अभी महंगाई, पहले हम 100 रुपये का जींस बेचते थे, अब वही पैंट 200 का बेचना पड़ रहा है महंगाई की वजह से। हाँ, तो जनता कह रही है, अगर जनता का ये भी एक वो है पॉइंट ऑफ व्यू, अगर महंगाई करिए उस हिसाब से सैलरियाँ भी तो बढ़ रही है, नहीं आमदनी भी बढ़ रही है। वो बढ़ रहा है ना, आप बिजनेस वालों को तो सैलरी जितना का उतना ही इनकम है, ठीक है। पर पहले आप 200 का बेच रहे कस्टमर, अगर भैया 100 का तो लेके जाते थे, 100 का लगाओ, कस्टमर रेट तो नहीं बढ़ा रहे ना। क्या लगता है इस बारी किसकी लहर हो सकती है 2024? अभी तो बीजेपी का लहर सुनाई जा रहा है, दिखाई जा रहा है। आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम क्या चाहते हैं, जो गुड गवर्नमेंस होना चाहिए देश में, अच्छा शासन होना चाहिए, वही चाहेंगे ना। आपके हिसाब से कौन कर रहा है अच्छा काम? नहीं, अब दिखाई तो काम इसी का पड़ रहा है, मोदी सरकार का काम हर जगह दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि अब जैसे क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, अभी G20 का बैठक किया वो देख लीजिए, अभी आपको पोखरण में जो कई जो आविष्कार सब जो किए हैं, कई तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, दिल्ली छोड़ के दिल्ली में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है मोदी का। दिल्ली में आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि काम? इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है कि दिल्ली राजधानी की है, लेकिन राजधानी का जो एक होना चाहिए प्रारूप होना चाहिए, राजधानी का जो सौंदर्यकरण होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो सफाई होना चाहिए, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आपको क्या लग रहा है किसकी गलती?
अब की गलती किसकी का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, केजरीवाल सरकार करेगी। लेकिन जिस हिसाब से राजधानी दो चार इलाका छोड़ के बाकी सब इलाका में, दिल्ली की जनता कह रही है कि केजरीवाल ने बड़े काम किए हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति करने के लिए उन्होंने स्लोगन देके अपने सरकार लाया, लेकिन खाली आप बिजली पानी देने से नहीं होगा ना। राजधानी में जो लोग रहते हैं, राजधानी का जो लोगों के हिसाब से जो है बीजेपी की जब सरकार आने से महंगाई बढ़ गई, रोजगार नहीं मिल रहा, ठीक है, और भी अगर बात करूं तो उनको और भी बहुत सारी परेशानियां हो रही है, इतने सारे वादे किए वो भी पूरे नहीं हुए। सबसे बड़ी बात है देश में शांति सुरक्षा अमन चैन होना चाहिए, लोगों को एक जगह से दूसरे जाने जगह जाने में सुरक्षा का अनुभूति होना चाहिए, महिलाएं कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सके, ये सबसे प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। सुरक्षा का सबसे सवाल है। खाने पीना तो कल केजरीवाल सरकार नहीं भी था तो लोग रोजमर्रा का काम पूरा हो ही रही था ना। सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, रोजगार सबसे बड़ा बात है, वो जो सरकार पूरा करे उसी को आगे बढ़ाना है। कि इस बारी किसकी सरकार आ सकती है? इस पर मोदी सरकार आ सकती है जैसी लग रही है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसे क्योंकि उनका वो विचार अभियान स्वच्छ है, इसीलिए। कहाँ रहती हैं? हम तो नेपाल में रहते हैं, मीडिया यहाँ का सुनते हैं, यहाँ का काम देखते घूमने आते हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है। दिल्ली में तो अभी जैसे आपकी सरकार है उस पर आप क्या कहेंगे केजरीवाल की? सरकार केजरीवाल को, लेकिन यहाँ पर सड़ सफाई कुछ नहीं, उनका वो फ्री कर रखे सुनते हैं, गाड़ी फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, ये फ्री से तो कुछ नहीं ना होगा, लेकिन आते हैं आदमी तो कितना गंदगी है, दिल्ली दिल्ली जैसा नहीं लगता है। क्या लगता है कि क्या क्या काम और कर सकते हैं मोदी जी, आपको क्या लगता है अगर दिल्ली में, आप कह रही हैं कि सुनते हैं देखते हैं, आदमी को जनचेतना जगाना है सफाई के बारे में, रोड को सफाई करना है, व्यवस्थित करना है, आदमी को जैसे गाड़ी घोड़ा ऐसे भी व्यवस्थित करना पड़ेगा यहाँ का, जैसे हॉर्न लेस करना पड़ेगा, जितना हॉर्न है बहुत आदमी को इरिटेट करता है, बाहर का आदमी आता है ना तो इरिटेट होता है, कितना हॉर्न बजता है, मेरा छोटी बच्ची है 5 साल का, ये तो हमको अच्छा नहीं लगा, हमको अमृतसर अच्छा लगा, हमको कटरा अच्छा लगा, मम्मी चलो ये तो रक्सौल जैसा है अपना, हम लोग को रक्सौल बॉर्डर पड़ता है उधर नेपाल में, तो बोलते मम्मी रक्सौल से जैसा है ये तो सिर्फ मोदी। क्यों मोदी है? क्यों मोदी? बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है। उसके विपक्ष में आपको ऐसा कोई और चेहरा नहीं नजर आता? कोई और चेहरा ऐसा आपको नजर आता? उसका बहुत टाइम है अभी। अच्छा, क्या क्या विकास हुआ आपके साथ? हमारे साथ हमारे देश का ही विकास हुआ, हमारा तो छोड़िए, हम तो कमा ही खा रहे हैं। महंगाई नहीं आपको लगती? सदा था और सदा रहेगा। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? सरकार तो बोल नहीं सकते किसकी आएगी, लेकिन पहले जैसी इतनी सीटें तो नहीं आएगी, मेजोरिटी बीजेपी की लग रही है। बीजेपी की बात, मेजोरिटी तो 400 पार लग रहा है, नहीं हो पार तो दूर की बात, 200 आ गए तो बहुत है। क्या लग रहा है फिर किसकी लहर हो सकती है? लहर तो ऐसे नहीं है किसी की, लेकिन जैसे 50-50 टक्कर का मुकाबला हो सकता है। किसके बीच में? बीजेपी और जैसे इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में आपको ऐसा लगता है? तो आप क्या चाह रहे हैं कि किसकी सरकार आनी चाहिए? देखो अभी ऐसे चाहने से थोड़ी कुछ होगा, फिर भी आपको क्या लगता है? इंडिया के आ जाए तो अभी अच्छा है, थोड़ा 10 साल के बाद चेंज हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, आप चाह रहे गठबंधन की सरकार? बिल्कुल। क्या क्या आपको लग रहा है कि किन मुद्दों पर काम नहीं किया गया पिछले 5 सालों? जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई तो है ही, वो तो जैसे हर सरकार में थोड़ी बहुत बढ़ती है, इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ी है। क्या लग रहा है इस बारी दिल्ली के लोकसभा चुनाव बहुत पास? क्यों मोदी? मोदी है बस, बढ़िया काम कर रहा है। लग रहा है 400 पार का जो नारा उन्होंने दिया है वो पार हो पाएगा? बिल्कुल, 450 आपके हिसाब से? आपके हिसाब से कोई भी आपको ऐसी दिक्कत नहीं नजर आई 5 सालों में? दिक्कत नहीं आया पड़ा है, सब सही है। और आप क्या केजरीवाल के लिए आपका क्या पॉइंट? कुछ नहीं है, फ्रॉड है। फ्रॉड है तो क्या भ्रष्टाचार बीजेपी में नहीं है? नहीं है, नहीं है, केजरीवाल चोर है। अच्छा, तो फिर आप उसके बारे में बात क्यों नहीं करते, बॉन्ड के बारे में, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में? उसमें भी तो आया कितना घोटाला हुआ। नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो सारी झूठ है। बीजेपी अब की बार मोदी सरकार, मोदी 400 पार, सब बीजेपी, बीजेपी आएगी तो ही कुछ हो सकता है इंडिया का, वरना कुछ नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है पिछले 5 सालों में ऐसा क्या हुआ? आप युवा हैं, राइट? बेरोजगारी का एक ऐसा क्वेश्चन है जो रोज जनता का जो उठ रहा है कि नहीं मिली, दूसरा महंगाई बहुत बढ़ रही है, फिर भी युवा जा रही है कि बीजेपी, ऐसा क्यों?
तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी आई है तो ये चीज़ हो रही है? ये एक ऐसी चीज़ है जो सदियों से होती जा रही है, एंड इंडिया विल ऑपरेट हाउ द मार्केट विल वर्क। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है, हर जगह ऐसे हो रहा है ना। इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट। अगर बंदे उतने स्किल होंगे तो क्यों उन्हें ना एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो क्यों उन्हें मुझे जॉब मिलेगी? यहाँ पे बंदे इलिटरेट नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन ही नहीं है। हर चीज़ तो एक तो फ्री में करने में लगे हैं। जब फ्री हो जाती है तो हम लेथार्जिक हो जाते हैं, हमारे पास वो होता नहीं कि हाँ करना है, वो चीज़ आती नहीं है। तो जब तक वो नहीं होएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी, बंदे स्किल नहीं होंगे, तो फिर जॉब नहीं बनेंगे, फिर पूरा सर्कल हो जाएगा। और पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट इशू हेयर। यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए अगर बोल दे तो दंगे हो जाएंगे, फसाद हो जाएंगे, सब हो जाएगा। पॉपुलेशन जब कंट्रोल होगी, और उसके लिए आई गेस बीजेपी इज वर्किंग। तो फॉर मी बीजेपी, फॉर यू, आपको ऐसा क्या लगता है कि आगे जो 5 साल है आपके हिसाब से युवा के लिए और क्या क्या काम करना चाहिए बीजेपी सरकार अगर आती है सत्ता में? सबसे पहले एडुकेशन, एडुकेशन इज़ अ मस्ट, एंड प्रॉपर एडुकेशन। ये नहीं झूठ या फिर मतलब ऐसे कि इधर उधर हो रहे हैं कि एम फॉर म ऐसे ऐसे करके, नहीं, प्रॉपर जो आगे मोरल्स हो, जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमें इम्बाइब हो, वो वाले यूज़ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ बस चलते फिरते हो गया। अब उसके लिए जैसे NCERT में अभी रूल्स रिवाइज हुए हैं, सारी चीज़ें हुए हैं, तो धीरे धीरे हो रहे हैं। देखो, चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट। धीरे धीरे चीज़ें होंगी, शुरू होगा, उसी से ही ठीक होएगा, वरना कुछ नहीं होगा। हाँ, क्या चाह रहे हैं इस बार किसकी सरकार? इस बार मैडम यहाँ तो केजरीवाल है, और केजरीवाल ही रहे तो अच्छा है, और यूपी में साइकिल दौड़ जाए इस बार तो अच्छा है। साइकिल दौड़ जाए जी। यहाँ पे क्या आप क्यों चाह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार? मैं तो यूपी से हूँ फिलहाल, यहाँ साल भर से रहता हूँ, देख रहा हूँ यहाँ की जो सुविधा है, व्यवस्था है, केजरीवाल द्वारा जो कुछ भी है ठीक ठाक है, अच्छा है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ केजरीवाल ही रहना ज़रूरी है। क्या क्या आपको लग रहा है काम किया हुआ है? बहुत सारी जनता ये भी कह रही है कि बीजेपी की ही सरकार आनी चाहिए। हाँ, तो मैडम देखो, सरकार किसी का भी आए पर मुझे काम अच्छा लग रहा है। यहाँ देख रहा हूँ लेडीज़ के लिए कई बसें फ्री हैं, और हम लोग की खूब ठीक ठाक सुरक्षा है। मार्केट में आते हैं, बहुत सारे नियम है कस्टमर के लिए, लेडीज़ के लिए सुरक्षा है, कोई इतने भीड़ भाड़ में किसी को ना छेड़ पा रहा है, ना कोई बदतमीजी कर रहा है। इतना कड़क शासन केजरीवाल का है कि हल्का से कोई लड़कियों कस्टमर को छेड़छाड़ करे, परेशान करे, तुरंत पुलिस आके उसे पकड़ लेती है। तो केजरीवाल की सुरक्षा काफ़ी ठीक ठाक है, इसलिए हम चाहते हैं मैडम कि केजरीवाल ही दिल्ली में। केजरीवाल की क्या लग रहा है, जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं? अरे मैडम क्यों नहीं आएंगे, जेल से बाहर तो आएंगे। आएंगे आपके हिसाब से? हाँ जी, क्या क्या काम करते हैं? डोरमेट बेच रहा हूँ मैम साहब। क्या लग रहा है किसकी सरकार? सरकार तो बीजेपी की चाहिए। ऐसा है कि बड़ा यहाँ अत्याचार हो रहा, गरीब आदमी बेच नहीं सकता। हम लोग अत्याचार हो रहा है, ये बेच रहा हूँ गरीब आदमी, कोई बेचने नहीं दे रहा, सब लोग कैच किए जगह अपनी अपनी, फिर भी नहीं खड़े होने दे रहे, छुटा लेते मैट, दुकान वाले पूरी दुकान अगर मिली हुई है फिर भी परेशान है। अब अपना लगाए आधे ज़्यादा, हम लोग गरीब आदमी अगर 2 रुपए कमा रहा हूँ टहल फिर के, तो न कमाने नहीं दे रहे, तनको 1 मिनट खड़े हो जाओ तुरंत छुटा लेते माल। क्या लगता है बीजेपी की सरकार आने से आपको ऐसा करने से नहीं रोकेंगे? मैं सरकार से क्या, हमें जब जो हमारे लिए अच्छा करे, हम तो उसके लिए कह रहा हूँ। क्या लगता है बीजेपी अगर अच्छा करता तो हम उसके लिए भी सपोर्ट में थे? क्या नहीं किया केजरीवाल? केजरीवाल ने क्या किया? अगर ये चाहता तो हमें लोगों को बेचने परमिट बनवा के दे देता, अब तक तो यहाँ का 1 करोड़ लड़का उनके साथ में होता केजरीवाल के। अब हम बीजेपी भी कह रहा हूँ, अगर वो भी अच्छा आदमी है मोदी जी, तो हम लोगों के कार्ड बनवाए जितने फेरी वाले हैं यहाँ पे, भाई बेचने के लिए हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएं? नहीं तो हमको गोली मार दी, मर जाऊँ, इससे क्या है हिंदुस्तान में? हम लोग भाई नमक रोटी कमा खा रहे हैं, गरीब आदमी तो किस लिए कमा रहे हैं? भाई पे आप क्या कहेंगे? महंगाई से भाई मेहनत करेंगे तभी तो कमाए खाएं, कमाने खाने नहीं दे रहे हमें। बीजेपी हो या केजरीवाल, कोई भी हो, सरकार कोई भी आ जाए, लेकिन हमें कमाने खाने तो दो गरीब आदमी को। बहुत अच्छी बात। सभी ये लड़के बेचारे, सब लोग, हम लोग परिवार चलाने के लिए 1 करोड़ जनता, ये लड़के सब काम कर रहे हैं, मारे मारे कुत्तों के तरीके फिर रहे, 20 किलो वजन लेके, जरा सी दुकान को कैच किए हुए, आधी मार्केट कैच किए,
हैं, हम लोगों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही, परमिट बनाए हमारे लिए। क्या कह रहे हैं ये आप? कह रहे हैं यहाँ बहुत सुरक्षा है, यहाँ पर बड़ा अच्छे से काम किया जा रहा है नियम को सोचते हुए। इन्होंने ये कहा अभी कि नियम को सोचते हुए केजरीवाल ने यहाँ अच्छा काम किया है, ठीक है, यहाँ बहुत सुरक्षा है, अच्छे से काम चल रहा है, कुछ भी दिक्कत होती है तो तुरंत पुलिस आती है। तो वो सब चीज सही है, लेकिन हमारी व्यवस्था भी करिए, नियम जो चल रहे पुलिस के सब सिस्टम, यहाँ कोई कस्टमर को दिक्कत नहीं हो सकती, लेकिन हम लोगों के लिए भी व्यवस्था बनाइए। दिक्कत है क्या इस एरिया? देखिए मैडम, दिक्कत हमें भी नहीं है, दिक्कत अब केजरीवाल हो या बीजेपी कोई भी हो, अब वो घर घर आके समस्या थोड़ी ना दूर करेंगे, अपने निधि में अपने ओ में दे रहे हैं, सुव्यवस्था दे रहे हैं, हम लोगों तक नहीं आ पा रही तो क्या करें? कोई भी हो आके किसी के घर घर रोटी बना के थोड़ी ना खिलाएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पेट पालने के लिए। तो वो तो मेहनत कर ही रहे हैं ना, तो आप भी तो मेहनत कर रही हो, तभी तो व्यूअर्स आएंगे, तभी तो वॉच टाइम बढ़ेगा, आप भी तो यूट्यूब चैनल चला रहे हो, कुछ ना कुछ करोगे जब, तभी तो आपका घर चलेगा, वो बेचेंगे नहीं तो घर बैठे केजरीवाल देंगे। तो आप क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार? अब बताओ भाई, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार। क्यों? बीजेपी ने बहुत काम किया है मैम, बीजेपी का है वर्क। केजरीवाल ने दिल्ली में कोई काम नहीं, केजरीवाल आदमी है, सीधी सी बात है, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं सर, किसकी? बीजेपी ही आएगा, बीजेपी ही आएगा देश में। क्यों? क्योंकि बीजेपी का काम अच्छा है। क्या काम अच्छा है? मंदिर का निर्माण बना, राम मंदिर की, उससे उनको वोट मिल जाना, सिटी बन रही है, देख लो, सरोजनगर देख लो, बहुत सारा प्रोजेक्ट आ रहा है, मेट्रो बना रहा है मोदी जी, चीफ इन्वेस्टमेंट, रोजगार मिल रहा है, महंगाई नहीं बढ़ रही है। जब देश में प्रोजेक्ट आएगा तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। सरकार ने दे दिया है नौकरी बता दो, कौन सी सरकार ने? कांग्रेस ने दिया है, वो बन गया है रेलवे का मंत्री, बना है वो, कौन सा दे दिया है? केजरीवाल कितनी नौकरी दे दिए है तो 10 साल से, वो भी कौन नौकरी दे दिए है बताओ? क्या कह रहे हैं सर? केजरीवाल कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा? किसी को दे दिया है नौकरी बता दो, बस इसके अलावा उसको कुछ। आपके हिसाब से बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है क्या? बीजेपी ने कुछ ऐसा काम नहीं किया आपके? एकाध भ्रष्टाचार बता दे, 72 साल इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आपको क्या लगता है? जो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन नहीं पार्टी ने पैसा लिया, मुद्दा उठाया विपक्ष ने कभी भी? राहुल गांधी ने उस पर कभी मुद्दा उठाया? कभी नहीं उठाया, उठाए होते तो वो भी जाते, उनको उन्होंने भी तो पैसा लिया है, किस पार्टी ने पैसा नहीं लिया है तो उनको भी तो उठाना चाहिए। जनता ये कहती है, अच्छा खुद नहीं सुनिए, उठाना चाहती है, सुनिए, जनता ये कहती है कि बीजेपी सरकार जो है वो केजरीवाल से डर गई इसलिए इलेक्शन से पहले उनको डरने वाला, वो डरने वाला शेर नहीं है, डरना होता तो विदेश के पैर लोग नहीं छूने आते उसके, विदेश के बड़े बड़े राष्ट्रपति लोग उसका पैर छूते हैं। आपको क्या लगता है सर, किसकी सरकार आ सकती है? बीजेपी की आएगी, बीजेपी आएगी, काम करा तो बीजेपी आएगी। क्या आपके हिसाब से क्या क्या काम और होने चाहिए? और हुए हैं, मान रही हुए हैं काम, और किस 5 सालों में और क्या विकास देखना चाहते हैं? जैसा भी आपने देखा है ना, आने वाले 10 सालों में आगे ही जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ रिक्वायरमेंट है बिना। जनता की भी तो कोई रिक्वायरमेंट होती है ना सर, जब वो जनता एक सरकार चुनती है वो चाहती है कि मेरा भी ये काम है, हमारा भी इस मुद्दे पे थोड़ा सा विषय डाले उस। देखो अगर है ना, भगवान भी आके बैठ जाएंगे ना सीट पे, तो 100% पब्लिक तो फिर भी सेटिस्फाई नहीं होती है, तो समझो जो मोदी बैठा है उसके कंपेयर में कोई है भी नहीं फिलहाल तो। आपके सबसे कोई और चेहरा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी, आज के टाइम में मोदी से ऊपर कोई नहीं है। हाँ, उसने किया हमारे भारत देश के लिए किया, आज की डेट में जो कार करेगा उसी को सब लोग वोट देंगे, अब मोदी जी ने ऐसा करके दिया। सबसे बड़ा मुद्दा कर दिया अयोध्या वाला, जिसके राज अयोध्या की उस पे ही उनको वोट दिएगी क्या जनता? मोदी ने पिछली बार उनके मैनिफेस्टो में राम मंदिर था, उन्होंने वो करके दिखाया, इस बार ही अभी अभी वो कह रहे हैं, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये प्लॉट ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। देखो राम मंदिर हुआ, 370 हुआ, 3 तलाक हुआ, CA हुआ, तो बताओ कितने सारे मुद्दे हैं वोट का कारण। अभी मैनिफेस्टो भी आया बीजेपी का, उसमें भी उन्होंने बात करी कि बॉर्डर्स के ऊपर भी काम करेंगे कश्मीर को, उसमें क्या लग नहीं, काम तो ही रहे हैं चीज पे, अभी CA और NRC का है सबसे अगला नंबर तो आता ही।
अभी तो और भी कुछ है, पीओ की भी है, अभी तो बहुत बाकी है। ठीक है, 400 पार मोदी जी, मोदी सरकार 400 पार। चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ, आपकी क्या समस्या? हमारी कुछ नहीं समस्या, और हमारे देश में जो काम कर रहे हैं सभी लोग, हमारे देश में जो उन्नति हो रही है मोदी सरकार की वजह से हो रही है। केजरीवाल तो थोड़ी शराब नीति में फंस गए, उनको ऐसा थोड़ा फंसा दिया गया। फंसाया नहीं गया, जो देखो जैसे करेगा वो कोर्ट भी ऐसे देगा, सुप्रीम कोर्ट भी झटका दे रहा है, जमाना नहीं मिले समझो, कुछ ना कुछ तो किया, ऐसे तो धुआं, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होगा, कुछ ना किया है तभी तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्या योगी, आज योगी और मोदी दोनों जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे, जय बोले जय बाबा की, भुक्की भुक्की भर देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप क्या चाहते हैं सर? किसकी? हाँ, मोदी की सरकार होनी चाहिए, और मोदी है तो सब संभव है। मोदी और योगी नया भारत के निर्माण में सबसे बड़ा भूमिका कर रहे हैं, इसलिए इस बार भी मोदी सरकार हो। आप क्या किस विषय में ऐसे सोच के बोल रहे हैं कि मोदी ही? मोदी इसलिए कि राम मंदिर का निर्माण, हिंदू सनातन का भी, राम मंदिर के बेसिस पे, और देश विकास में भी उनका। पिछली बार तो राम मंदिर के नाम पे उन्होंने वोट लिए, क्या लगता है इस बारी किस? राम मंदिर के नाम पर उन्हें वोट नहीं दिया जा रहा है, वो तो हिंदू सनातन की सबसे बड़ा अहम भूमिका कर रहे हैं, और पब्लिक विकास सब में उनका अहम भूमिका है, इसलिए इस बार भी मोदी सरकार। आप मैम क्या चाहेंगी, किसकी सरकार? मोदी। क्यों? क्योंकि सब जगह ना सब भ्रष्टाचार है, बट जो मोदी है। बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है आपके हिसाब से? इनके में भी है, बट उनमें कम है। आपने इलेक्ट्रो बॉन्ड के बारे में सुना, कितने घोटाले हुए उसमें? कांग्रेस है, कांग्रेस ने बहुत ज्यादा किया, केजरीवाल है उसने भी किया। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में क्यों नहीं आप सोच रही हैं? मैं मान रही हूँ उनके भी आए हैं सामने, मैं ये नहीं कह रही। मेरे हिसाब से मोदी ही आएंगे। आपके हिसाब से? हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? क्या क्या बताएं? किसकी सरकार? बीजेपी की। क्यों? मोदी, मोदी ही बेस्ट। हाँ मैडम, चाहे विदेशी नीति ले लो, चाहे आप एम्स ले लो, चाहे आप मेडिकल कॉलेज ले लो, चाहे आप रोडे ले लो, चाहे आप सड़कें ले लो, आयुष्मान योजना ले लो, तो सारी फैसिलिटी है ना, तो दूसरे की क्या जरूरत है? जब मोदी अच्छा, दूसरे देशों में भी अपना अच्छा करे तो भी हम मोदी बेस्ट। आपके हिसाब से देश के साथ साथ विदेश में भी नाम, देशों में भी नाम है। कोई ऐसा विपक्षी चेहरा आपको लगता हो जो टक्कर दे पाए? नहीं ना, अरविंद केजरीवाल कहते थे हम कांग्रेस के साथ। देखिए देखिए जनता क्या कहती थी, जनता अभी मैं रोज सर्वे करती हूँ किस्सा कुर्सी का। जनता का ये कहना है बीजेपी जो है डर चुकी थी केजरीवाल से, इसलिए उनको अंदर करा दिया गया। आप बताएं, कांग्रेस अरविंद केजरीवाल ने कसम खाई थी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, आज गठबंधन है। हाँ। ठीक है, आज गठबंधन कर रखा है ना उन्होंने। ठीक है, दूसरी बात आपको मैं बता देता हूँ, मकान नहीं लूंगा, कितने करोड़ रुपए लगाए बनवाने में, शीश महल बनवाए। ठीक है, अच्छा भ्रष्टाचार में उनके सारे मंत्री जेल जा रहे हैं, सारे मंत्री बीजेपी में। मेरा एक ही क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार नहीं है उनके सारे कार्यकर्ता क्लीन चिट है आपके हिसाब से? मैंने ऐसा, मेरी बात सुनिए, क्या एक सेकंड इधर आइए, इधर आइए। बीजेपी में भ्रष्टाचारी वो भी अंदर जाएंगे आपके हिसाब से? है, डालेगा मोदी ही डालेगा ना जी, साबित होगा वो भी अंदर जाएंगे, साबित अभी नहीं ना भाई। जो पकड़ा जाएगा, जो चोरी करेगा, अभी कोई बच्चा चोरी कर रहा है पकड़ा गया तो चोर वही कहलाएगा ना। जब ये पकड़े गए, देखो हर तरह से घोटाला, ये सरकार आई थी अन्ना हजारे के कंधे पे बंदूक रख के आई थी, और आज इसका क्या हाल हुआ? अन्ना हजारे का सब कहाँ चला गया? सब खत्म हो गया, कुछ नहीं। तो जिस आए थे, जैसे आए थे, अगर वैसे करते तो बेस्ट थे, लेकिन आज इन्होंने तो हद। आपकी बात भी सही है, ये क्या कह रहे हैं? वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ जो बीजेपी में भ्रष्टाचारी हैं वो भी मोदी ही डालेंगे अंदर, अब की वो भी जाएंगे अंदर। आप क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार? सरकार तो मोदी रहेगा, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचारी है कुछ, वो भी अंदर जाएंगे आपके हिसाब से? उनको भी अंदर करेंगे। ठीक है, आप युवा है राइट, कितने साल के हैं? मैं 20 साल का हूँ। पहला वोट है? नहीं, हाँ पहला वोट, पहला ही होगा। हाँ पहला है। तो सब तो एक एक रिएक्शन लेके क्लोजिंग करूंगी। हाँ जी, तो आप अभी पहला वोट है, किसको चाह रहे हैं वोट देना? वोटर बना आपका, वोट बना गया, बन गया। किसको देंगे? बीजेपी। क्यों? मनपसंद पार्टी वही है, आज तक जितना जो कुछ देखा बीजेपी से देखा है।
मनपसंद के उस पे नहीं आप चुन सकते सरकार के उस पे, चेहरे के बेस पे, काम के बेस पे। काम के बेस पे ही तो बोल रहे हैं, तभी मनपसंद इसीलिए तो हुए था कि उन्होंने काम अच्छा किया है। मनपसंद कांग्रेस क्यों नहीं हुई? देखिए देखिए बीजेपी मोदी जी ने कहा था रोजगार देंगे, ठीक है, आप युवा हैं, आने वाली पीढ़ी पढ़ रहे हैं उनको रोजगार मिल रहा है, हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट मिल रहे हैं, बच्चों को बड़े बड़ी कंपनियां लेके जा रही है, कहाँ नहीं है रोजगार? प्राइवेट होंगी ना, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, हर जगह है प्राइवेट, जिसके अंदर नॉलेज है वो ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट ले रहा है हर जगह। आप साथ में हम साथ में सारे आप सबका वोटर आईडी बन गया? सबका वोटर आईडी बना हुआ, इसको वोट देना चाहिए बीजेपी, बीजेपी ओनली। देखिए युवा सरकार भी बीजेपी ही चाह रही है, ताकि जो नेता इस समय है बासी स्वराज जी सबसे युवा चेहरा, कहाँ से? हाँ नई दिल्ली से, यहाँ से बासी स्वराज जी है लोकसभा की प्रत्याशी और युवा चेहरा है, और आपको बताऊं डबल वोटों से जीतेंगी, बहुत मार्जिन से जीतेंगी। हाँ उनकी माता जी थी, उनकी इतनी अच्छी छवि थी, स्वच्छ छवि थी, तो आप समझ लीजिए कि जो एक एक प्रत्याशी उतारा जा रहा वो भी कितना अच्छा उतारा जा रहा है, तो समझ लीजिए इस समय जो बासी स्वराज जी है युवा चेहरा। क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार देखना चाह रहे? नरेंद्र मोदी ओनली। क्यों? मैं तो गुजरात से हूँ, गुजरात में तो वैसे ही कहा जाता है उनका चेहरा देख के ही वोट कर दिया जाता है। गुजराती मींस गुजराती मींस नरेंद्र मोदी। गुजरात में आपके हिसाब से क्या क्या विकास? अरे उधर जो फैसिलिटी है ना, शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडिया के अदर कोई भी स्टेट है ना एक्सेप्ट मेट्रो, जो मेट्रो है उसको एक्सेप्ट गुजरात में सारे गांव से लेके शहर में सारे प्रॉपरली विकास हुआ है, उधर सब फैसिलिटी है। ठीक है, चलिए आपने सारी जनता के पॉइंट ऑफ व्यू सुने, बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि मोदी सरकार को आना चाहिए, किसी के हिसाब से केजरीवाल, और कोई तो कोई वोट ही नहीं देना चाहते, उनके हिसाब से तो कोई सरकार ही नहीं होनी चाहिए। देखिए हर रोज़ एक किस्सा कुर्सी के करती हूँ शो, और अलग अलग लोकेशन से आपको जनता की राय दिखाती हूँ। देखिए लेकिन अब ये तो जो भी फैसला है 4 जून को जनता देख ही लेगी कि किसकी सरकार आएगी, किसकी नहीं, 400 पार होंगे या नहीं, जेल से केजरीवाल बाहर आ पाएंगे या नहीं, राहुल गांधी कहाँ तक पहुँचेंगे, साथ आ पाएंगे बीजेपी के विपक्ष में या नहीं। लेकिन बाकी क्या, तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।